ये और ये, तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, दैट इज इच्छा शक्ति, या इसको आप कह सकते हैं कि ये जो लोग राइट हैंड वाले हैं उनके लिए ये राइट ब्रेन का काम करेगा, और जो लोग लेफ्ट हैंड वाले हैं उनके लिए ये लेफ्ट ब्रेन का काम करेगा। क्या होता है कि नॉर्मली राइट हैंड वाले से का होता है क्या, लेफ्ट राइट हैंड वाले का राइट हैंड लेफ्ट ब्रेन से और लेफ्ट ब्रेन का राइट हैंड के साथ कनेक्शन बैठता है, क्रॉस कनेक्शन होता है, और जिनका लेफ्ट हैंडेड होता है उनका क्रॉस नहीं होता, लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट में रहता है। तो यानी ऊपर का हिस्सा जो है वो आपके इमोशनल थॉट प्रोसेस को दिखाता है, जहां पर आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं, सेल्फ मोटिवेशन। तो ऊपर का पैटर्न, ये वाला हिस्सा जितना क्लीन है, कोई रेखा नहीं है, साफ है, और स्किन का पैटर्न और भी क्लीन है, कोई स्पॉट नहीं है, कईयों का स्पॉट आ जाता है, ब्लैक स्पॉट या पर्पल वाला कलर का स्पॉट आ जाता है। तो स्पॉट आने का मतलब है ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं इमोशनली जो है बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इमोशंस स्टेबल नहीं है। अगर यहां पर ऐसा निशान आ जाता है, 1 मिनट, एक निशान, ये स्ट्रेट, ठीक है, तो ये ऐसा व्यक्ति अपने ही ऊपर ना प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, या मेरे से हो पाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा हो। अगर क्रॉस बन जाता है तो भैया इसको कोई नहीं इसको मोटिवेट कर सकता, ऐसा व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। अगर ऊपर वाले स्किन बन जाए, बने, ये बहुत रेयर होता है, बहुत हमेशा अक्सर अक्सर मतलब रैंडमली किसी के हाथ में ये नहीं दिखेगा क्रॉस का निशान बनना। हाँ, ये निशान एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखेगा, बट क्रॉस बनता हुआ नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा जैसे इस हाथ में ही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखो यहां पर दिख रहा है, ये स्पॉट दिख रहा है, साफ है ना, विजिबल है या नहीं दिख रहा, और जूम कर दो, ये दिखा, एक फोल्ड एक निशान बना हुआ, ये हालांकि चला जाएगा, एक एज के बाद ये चला भी जाता है, कई लोगों का नहीं भी जाता है। तो अगर ये क्लीन जितना है व्यक्ति, उतना सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, उतना अपने काम को करने में सजग रहेगा, और हमेशा जब भी उसका कभी भी डाउनफॉल हो, कभी भी प्रॉब्लम्स आए, तो बहुत कूल माइंडेड होकर चीजों को हैंडल करेगा। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये है तर्क का, इसमें भी देखो तीन बन गए, लेकिन एक्चुअली कई हाथों में सिर्फ दो ही होते हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक पूरा ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इससे नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला पूरा, इसको कहते हैं तार्किक दिमाग, यानी आपका लॉजिकल ब्रेन। ये वाला हिस्सा जितना साफ जितना क्लीन व्यक्ति अपने लाइफ में, उतना क्लीन उसको अपने करियर में आगे बढ़ना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो इतना समय नहीं गवाता वो, बहुत मतलब ऐसे लोगों का ना थिंकिंग प्रोसेस बहुत क्लीन होता है, कोई भी ज्यादा पेंच नहीं, कोई भी बहुत ज्यादा कहते नहीं कि कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता, और इनको सब कुछ ना बहुत अपनी लाइफ में बहुत साफ दिखता है कि उनको क्या करना है, किस तरह से करना है, और डिटर्मिनेशन के साथ फोकस के साथ अपना काम करते हैं। यहां पर अगर स्क्वायर बन जाए इस तरीके का, तो ये भी अच्छा है। ऐसे लोग भी ना हमेशा ना अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे कि मैं मेरा लाइफ, मेरा फैमिली, ये किस तरह से सिक्योर रहे, ठीक है। और एक तरह से कह रहे हैं कि ना ऐसे लोग थोड़े से मिडिल क्लास टाइप मेंटेलिटी भी रखते हैं कि बस हाँ मुझे इतना ही करना है, इतने में मैं खुश हूं, इससे ज्यादा नहीं जाना, सिक्योरिटी को दिखाता है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह से फिश का साइन बन जाए तो ये धनदायक होता है, पैसा दिलाने वाला, कैसा, ऐसे वाला बने या वर्टिकल बने, सॉरी हॉरिजॉन्टल बने, ऐसे वाला बने, ठीक है, दोनों ही केसेस में ऐसे वाला बने या वैसे वाला बने, तो ये क्या देता है, ये व्यक्ति को न्यू न्यू आइडिया से धन कमाना। ऐसे लोग ना, ऐसे लोग ना कबाड़ से भी बहुत अच्छा बिजनेस कर लेंगे, कबाड़ से भी पैसा कमा लेंगे,
कई लोगों को देखे ना, अपसाइकिल कर देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं चीजों को, वेस्ट मटेरियल से क्या बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शुक्र का स्थान भी कवर करता है, शुक्र का अंगूठा है, अंगूठा सबसे मैटर करता है पूरे हाथ का, ऑलमोस्ट जो है 3/4 हिस्सा अंगूठा ही कवर कर लेता है, और सबसे सबसे मतलब पांचों उंगलियों में 4 उंगलियों के बराबर का अकेला अकेले का स्ट्रेंथ रखता है अंगूठा। अगर ये ना रहे तो किसी भी चीज में पकड़ नहीं बना पाएंगे आप। तो ऐसे लोग ना इनोवेटिव होते हैं, काफी नया कुछ करना, वेस्ट मटेरियल को अच्छे से यूज करना, क्रिएटिव होते हैं। अगर यहां पर किसी भी तरह से क्रॉस बन जाए, सिंपल क्रॉस, तो कहानी खत्म, इसका कोई लॉजिक नहीं लगता। ये ना बिना पूछे कोई काम नहीं कर पाएगा कभी भी, ना खुद का डिसीजन लेकर कोई काम नहीं कर पाएगा, इसको हर चीज के लिए पूछना पड़ता है, अपने बॉस से हो, अपने सीनियर से हो, घर वालों से हो, हर चीज वो पूछ के करेगा, बिना पूछे वो नहीं कर पाएगा। कई बार ये लोग ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव भी बनाता है, अगर थोड़ा शुक्र के नजदीक बन जाए, इस वाले हिस्से में, यहाँ पर शुक्र पर्वत के नीचे यहां पर बन जाता है, तो ये थोड़ा सा गलत इंडिकेशन दिखाता है, ये व्यक्ति ना अपने मतलब कहते हैं क्रिमिनल नेचर का बन जाता है, क्राइम रिलेटेड। अगर बृहस्पति पर्वत अच्छा है तो शायद वो क्राइम विजिबल ना हो, बहुत आराम से चुपचाप करके निकल जाए, अगर बृहस्पति पर्वत ठीक नहीं है, दबा हुआ है, तो बहुत भयंकर मतलब उग्रता में चला जाता है, किसी को मारना पड़े तो मार दो, खत्म करो, अपना काम बनना चाहिए, आतंकवादी नेचर वाला। ये देखो प्रथम पर्व में यहाँ पर क्या लिखते हैं, अंगूठे का प्रथम पर्व यदि अधिक लंबा हो तो जातक निरंकुश, झगड़ालू, हुकुम करने की प्रवृत्ति वाला, निडरता से रहने वाला होता है, ऐसे जातक का स्वभाव आतंकवादी प्रवृत्ति का होता है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, नॉर्मली इसका और इसके हिस्से वाला जो रेशियो है ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिखेगा। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से में सिमिलैरिटी रहती है, कम केसेस में होता है कि ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा लंबा हो या ज्यादा बड़ा हो, बहुत कम केसेस में होता है, हो तो व्यक्ति थोड़ा अपराधी गोचर का नहीं कहेंगे, एक्चुअली ऐसा व्यक्ति ना लॉजिक नहीं लगा, ऐसे लोगों का ना बहुत आराम से ब्रेन वॉश किया जा सकता है, ब्रेन वॉश करके ना फिदाइन बना दो इसको, जा बेटा वन वे ट्रिप है, जा अपने आप को उड़ा और बाकी को खत्म कर दे, वन वे ट्रिप बना दे। ठीक है, आपको बहुत कम कम मिलेगा, 70% लोगों के हाथ में दोनों इक्वल रहते हैं, कुछ 2 या 3% लोगों के हाथ में ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा रहे तो ये थोड़े से आपराधिक गोचर के रहेंगे, या फिर अगर आपराधिक नहीं भी हुए तो अपने बात को ही मनवाने में ज्यादा माहिर रहेंगे, अपना वो जो कहेंगे वही सही है, बाकी दुनिया पूरी गलत है। अगर ये वाला ऊपर वाला हिस्सा छोटा हो गया और नीचे वाला ज्यादा बड़ा हो गया, जैसे ये वाला इस तरह से, ऐसा व्यक्ति हर चीज में प्रश्न चिन्ह कि ऐसा क्यों